आगरा आईएमए और आईपीए द्वारा डॉक्टर्स डे पर एक संयुक्त जागरूक कार्यक्रम किया गया जिसमें शहर के चिकित्सक और बच्चों ने भाग लिया। आज का कार्यक्रम डॉक्टर्स डे पे है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स और आईएमए आगरा ने डॉक्टर्स डे आज विमेंस हॉस्पिटल में सेलिब्रेट किया है। हमारा समाज में एक ही संदेश है कि बेटा बेटी एक समान, और आज की थीम है कि बेटी को पढ़ाओ और सशक्त बनाओ। हम लोग आईएपी के जो सदस्य हैं वो चाइल्ड एंड एडोलेसेंट वीक मना रहे हैं, जिसका आज पहला दिन है, जिसमें हमने बेटी बचाओ हेल्दी बनाओ ये नारा दिया है, क्योंकि समाज में बेटियां एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं और हमारे हिंदुस्तान में भी हर फील्ड में बेटियां जो है मेडल ला रही हैं, एजुकेशन में आगे जा रही हैं, बेटों से आगे बढ़ रही हैं। आज इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स एक पूरा सप्ताह मना रही है एडोलेसेंट एंड चाइल्ड केयर वीक का। उसी के अंतर्गत जो संडे है उसमें हम डॉक्टर्स डे मनाते हैं। इसमें हमने आईएमए को भी इन्वॉल्व किया है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमारे समाज में जो बेटियां हैं उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं मिलता है, तो ये हमारा एक प्रोग्राम है, इसके द्वारा हम समाज को जागरूक करते हैं कि अपनी बेटियों पर ध्यान दो, बेटी बचाओ, बेटी की परवरिश करो, उसे पढ़ाओ लिखाओ, उसको हेल्दी बनाओ। आज 10 नवंबर को हमने बाल स्वास्थ्य दिवस मनाया। इसमें हम लोगों ने सब एक प्रोग्राम किया जिसमें पब्लिक को सबको मैसेज दिया कि लड़का लड़की सब एक समान है। समाज को लड़कियों की भी प्रॉपर केयर करनी चाहिए, क्योंकि अगर माँ स्वस्थ होगी तो पक्की बात है उसके संतान भी स्वस्थ होगी। आज का कार्यक्रम हम लोगों ने इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के तत्वाधान में आईएमए के सहयोग से यहाँ पर आयोजित किया है, जिसमें एक्चुअली पूरा एक वीक है हमारा चाइल्ड एंड एडोलेसेंट वीक। उसके अंतर्गत आज हमने डेडिकेटेड टू डॉटर्स ये सप्ताह के एक दिन को हमने रखा है, और इस दिन यहाँ पर एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम हम लोगों ने समाज को संदेश देने के लिए कि बेटा और बेटी दोनों एक बिल्कुल परिवार के अभिन्न अंग हैं, दोनों में कोई अंतर न महसूस किया जाए और दोनों ही परिवार के लिए और समाज के लिए दोनों ही अत्यंत आवश्यक हैं। आज मेरे इस हॉस्पिटल द्वारा 26 साल बाद एक बच्ची पैदा हुई है, और टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर द्वारा कराई है मैंने। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है मुझे इस हॉस्पिटल का, और मैं बहुत खुश हूँ।